हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप दैट यू मस्ट बी फाइन। तो हाजिर है आपका दोस्त पालमदास आपकी खिदमत में एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। और आज की हमारी क्लास नंबर है 63। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास नंबर 63। एंड इन दिस टुडेज क्लास नंबर 63 आई एम गोइंग टू टीच यू अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ यूजिंग स्टेप, द यूज ऑफ वुड। आज जो हम यूज पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा यूज है द यूज ऑफ वुड। फ्रेंड्स, ये जो वुड का यूज़ है ये भी बहुत ही अहमियत का हामिल है और इसके अंदर बड़े बड़े स्टूडेंट्स जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे शुड जो था वो शल की सेकंड फॉर्म थी और मॉडल वर्ब था, इसी तरह ये जो वुड है ये भी एक मॉडल वर्ब है और ये जो है विल की सेकेंड फॉर्म है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा कि वुड का इस्तेमाल जो है किन किन सेंसेस के अंदर किया जाता है और कैसे किया जाता है। इसकी आप लफ्जी मायना जो है गा ले सकते हैं, मतलब कि फ्यूचर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको फार्मूला बता दूं। फार्मूला हमारा, सबसे पहले हम एक सेंटेंस लिखेंगे, फिर वो सेंटेंस चाहे दो तीन अल्फाज पे मुश्तमिल हो या पांच छह पर हो, लेकिन हमने लिखा है कि सेंटेंस। उसके बाद हम जो है सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वुड, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद हमने देना है ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहना मेरे साथ इस वीडियो में इन तक। आज मैं आपको 5 से 7 मिनट की वीडियो में वुड का यूज जो है वो बहुत ही अच्छी तरह पढ़ाने वाला हूं। तो आते हैं सेंटेंसेस की तरफ। नंबर वन सेंटेंस, माइकल ने कहा था कि वो मुझसे मिलेगा। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वुड जो है कहां पे इस्तेमाल होता है। वुड हम वहां पे इस्तेमाल करते हैं जहां माजी के अंदर फ्यूचर की बात की गई हो। माजी के अंदर फ्यूचर की जहां बात की गई हो वहां हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। अब मिसाल देता हूं आपको, माइकल ने कहा था कि, यानी माइकल ने माजी के अंदर कहा था, माजी के अंदर एक फ्यूचर की उसने बात की थी, और वो फ्यूचर की बात क्या थी कि वो मुझसे मिलेगा। माजी के अंदर माइकल की जो फ्यूचर की बात थी वो क्या थी कि वो मुझसे मिलेगा। ठीक है, आखिर में गा रहा है। या माइकल ने कहा था कि, ये माजी का सेंटेंस है। अब माजी के अंदर जब आप फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं, ऐसा सेंटेंस आपको मिले तो वो हम करेंगे वुड से। तो सबसे पहले सेंटेंस हम ये लिखेंगे, माइकल हैड सेड, माइकल ने कहा था कि ही वुड मीट मी, वो मुझसे मिलेगा। माइकल ने कहा था कि वो मुझसे मिलेगा। अब माजी के अंदर ये फ्यूचर की बात है, माइकल हैड सेड ही वुड मीट मी। आते हैं नंबर टू सेंटेंस पे। नंबर टू हमारा सेंटेंस कह रहा है, मेहकान ने बताया था कि वो टीचर बनेगी। माजी के अंदर मेहकान जो थी उसने बताया था कि वो जो है टीचर बनेगी, यानी माजी के अंदर उसने अपनी मुस्तकबिल की ख्वाहिश बताई थी। यानी माजी के अंदर मुस्तकबिल का जो इस्तेमाल जब करते हैं हम, और ऐसा सेंटेंस जो दो पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है, एक माजी का हिस्सा होता है और उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट होता है वो फ्यूचर की बात बताई जाती है। तो ऐसा इस सेंटेंस की हमने ट्रांसलेशन की है, मेगान हैड टोल्ड दैट शी वुड बी अ टीचर, शी वुड बी अ टीचर। अगर सिर्फ सेंटेंस होता कि वो टीचर बनेगी तो हम विल से करते, सीधी सी बात है, विल बी से करते, फ्यूचर टू बी से। लेकिन यहाँ पे माजी के अंदर जब फ्यूचर की बात हो रही तो हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। आते हैं नंबर थ्री सेंटेंस पे, मैंने बताया था कि मैं 10 बजे घर पहुंचूंगा। माजी के अंदर मैंने फ्यूचर की बात की थी, मैंने बताया था कि मैं 10 बजे घर पहुंचूंगा, यानी माजी के अंदर फ्यूचर की बात। आई हैड इन्फॉर्म्ड दैट आई वुड रीच होम एट 10। आते हैं नंबर फोर सेंटेंस पे, जो कि हमारा है, उसने कहा था कि वो आज नहीं आएगा। नेगेटिव, उसने कहा था कि, ये माजी के अंदर उसने फ्यूचर की बात बताई थी कि वो आज नहीं आएगा। He had said that he would not come today. अब देखना, ये जो सेंटेंस है इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो नरेशन का है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है, लेकिन हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे नहीं जाना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का स्टेप मैं आपको जो है आगे चल के पढ़ाऊंगा। फिलहाल हमें इन सेंटेंसेस के अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान देना है सिर्फ वुड पे। किस चीज पे हमें ध्यान देना है? वुड पे, कि हम यहाँ पे वुड का यूज जो है वो सीख रहे हैं कि वुड कहाँ इस्तेमाल होता है। माजी के अंदर जब
फ्यूचर की बात बताई जाए तो ऐसी जगहों पे हम जो है वुड का इस्तेमाल करते हैं। आइए अब मैं आपको वुड का एक और सेंस सिखाता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने नंबर टू लिखा, यानी कि इससे पहले जो पढ़ाया वो नंबर वन सेंस था कि माजी के अंदर फ्यूचर की बात की गई हो तो वहाँ पे हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। नंबर टू सेंस ये है कि जहाँ पे हम ऐसा कोई शॉर्ट नोट या पैराग्राफ लिखें या ऐसी कोई बात करें या अपना ऐसा कोई किस्सा बताएं जिसमें माजी के अंदर हमारी जो एक्टिविटीज थी उनको बार बार हमने रिपीट किया हो, तो ऐसी जगह पे हम जो है पहले सेंटेंस के अंदर यूज्ड टू लगाएंगे और उसके बाद जो है हम जो है वुड का इस्तेमाल करते हैं। और अब यूज्ड टू की एक अलग से मैं वीडियो बना के आपकी खिदमत में बहुत ही जल्द पेश करूंगा। आते हैं सेंटेंस की तरफ। इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में, आई यूज्ड टू गो टू कैच फिश, मैं मछलियां पकड़ने जाता था। आई वुड बाथ इन रिवर, मैं नदी में नहाता था। यानी अब ये काम जो है ये बार बार करता था, सब्जेक्ट जो है उसकी आदत थी, सब्जेक्ट हैबिचुअल था इन जो एक्टिविटीज करने का कि आई वुड बाथ इन रिवर, यानी वो जो है रिवर के अंदर बाथ करना एक बार नहीं ज्यादा बार करता था, वो उसकी रूटीन में था। आई वुड विजिट पब्लिक पार्क्स, में पब्लिक पार्क्स जो है घूमने जाता था। एंड आई वुड ईट आइसक्रीम एंड चॉकलेट्स, में आइसक्रीम और चॉकलेट्स वगैरह खाता रहता था। तो यानी माजी के अंदर अगर हम अपना किस्सा या स्टोरी या अपना चाइल्डहुड बयान करें और उसमें इन चीज़ों का जिक्र करें कि मेरी हॉबीज ये थी, मैं रूटीन के अंदर ये काम जो है करता था, मेरे अंदर ये आदतें थी, तो पहले सेंटेंस के अंदर हम जो है यूज्ड टू का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद जो है हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे हमने वुड का इस्तेमाल किया, यहाँ पे वुड किया और यहाँ पे भी हमने जो है वुड का इस्तेमाल किया है। तो फ्रेंड्स ये कंडीशन नंबर टू है वुड की, कि माजी की जो हम अपनी स्टोरी या अपने बचपन की जो बातें बताते हैं उसमें भी हम जो है जहाँ पे रिपीटेशन करनी हो, हमें जहाँ पे रिपीटेशन करनी हो कि मैं ये करता था, मैं वो करता था, मैं ये खाता था, मैं वो खाता था, तो जहाँ पे रिपीटेशन करनी हो वहां पे हम जो है वुड का इस्तेमाल करते हैं। तो अब आते हैं कंडीशन नंबर थ्री पे। यहाँ पे मैंने लिखा है ऑफर, कंडीशन नंबर थ्री हमारी जो है, हम जब किसी को ऑफर करते हैं तो भी वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा है, क्या आप मेरा साथ दोगे। हम सपोज कोई काम कर रहे होते हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो किसी को कहते हैं कि क्या आप मेरा साथ दोगे, तो ये जो ऑफर है ये सेंटेंस भी वुड में होते हैं। सबसे पहले हम वुड लिखेंगे, वुड यू ज्वाइन मी, क्या आप मेरा साथ दोगे। अभी हमने उसे ऑफर किए अपने साथ जुड़ने की, तो वुड का इस्तेमाल जो है ये तीसरा सेंस है जिसमें हम ऑफर के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक और सेंटेंस हम देखते हैं, क्या आप मेरे साथ मरी चलोगे, यानी मैं ऑफर दे रहा हूं कि मैं मरी जा रहा हूं और क्या आप मेरे साथ मरी चलोगे, तो इस सेंटेंस को भी हम इसी तरह करेंगे, वुड यू गो टू मरी विद मी, क्या आप मेरे साथ मरी चलोगे। तो इस सेंस के अंदर जो है वुड हम जो है ऑफर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आइए अब मैं आपको वुड का एक आखिरी सेंस जो है समझाता हूं, नंबर फोर। यहां पे मैंने लिखा है माइंड, माइंड मींस दिल में करना, नाराज ना होना या बुरा ना मानना। तो इस सेंस के सेंटेंसेस कुछ इस तरह होते हैं। नंबर वन सेंटेंस है, अगर आप दिल में ना करें तो मुझे अपना मकसद बताएंगे। अगर आप दिल में ना करें तो मुझे अपना मकसद बताएंगे, तो ऐसे सेंटेंस को हम जो है वुड से ट्रांसलेट करेंगे। वुड यू, हम लिखेंगे वुड यू माइंड टेलिंग मी, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, योर एम, क्या आप मुझे अपनी जिंदगी का, क्या आप दिल में ना करें तो मुझे अपना मकसद बताएंगे। वुड यू माइंड टेलिंग मी योर एम। आते हैं नंबर टू सेंटेंस पे, अगर आप दिल में ना करें तो मुझे अपना माजी बताओगे। अगर आप दिल में ना करें तो मुझे अपना माजी बताओगे, तो इस सेंटेंस की भी ट्रांसलेट हम इसी तरह करेंगे, वुड यू, सबसे पहले हम वुड का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं।
would you, उसके बाद mind का इस्तेमाल करते हैं, लव्स माइंड का। उसके बाद वर्ब की जो है आईएनजी वाले फॉर्म इस्तेमाल करनी है, टेलिंग मी यहां पे भी होगा, टेलिंग मी योर पास्ट माजी। अगर आप दिल में ना करें तो मुझे अपना माजी बताओगे। आते हैं नंबर थ्री सेंटेंस पे, अगर आपको बुरा ना लगे तो मुझे अपना नाम बताओगे। अब दिल में ना करें या बुरा ना लगे, एक ही बात है, एक ही बात है, हम माइंड वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। और इंट्रोगेटिव है, वुड यू, सबसे पहले वुड यू आएगा, उसके बाद माइंड लफ्ज का हम इस्तेमाल करेंगे, माइंड टेलिंग मी वर्ब की आईएनजी वाले फॉर्म, सॉरी टेलिंग मी योर नेम। तो फ्रेंड्स अब हमने ये जो है चौथा सेंस भी वुड का जो है वो सीख लिया है। तो फ्रेंड्स अब वुड के अंदर जो भी चार सेंस थे वो मैंने आपको समझा दिए हैं कि नंबर वन है जब माजी के अंदर फ्यूचर की बात की जाए, की गई हो, तो हम यहाँ पे वुड का इस्तेमाल करते हैं। नंबर टू, जब हम कोई शॉर्ट स्टोरी या अपना चाइल्डहुड बयान करते हैं तो उसमें जब रिपीटेशन करते हैं सेंटेंसेस की कि मैं ये करता था, वो करता था, ये खाता था, वो खाता था, तो हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। नंबर थ्री, हम जो है ऑफर के लिए भी वुड का इस्तेमाल करते हैं और उसके अलावा कंडीशनल के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। और ये आखिरी सेंस जो है माइंड का, जब ऐसे जुमले हमें बोलने हों कि आप ये काम करते हुए दिल में तो नहीं करेंगे या ये चीज़ बताते हुए दिल में तो नहीं करेंगे, तो ऐसी जगहों पर हम जो है माइंड का इस्तेमाल करते हैं और वुड का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आज मैं वुड का जो यूज़ है वो बहुत ही अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। उम्मीद है कि आपको जो है अच्छी तरह ये वुड का यूज़ समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो के देखने के बाद मैं होप करता हूँ कि आपसे जो भी कन्फ्यूज़न थी, आपसे आपको जो भी कन्फ्यूज़न थी इस वुड के यूज़ से, वो आपकी कन्फ्यूज़न जो है दूर हो गई होगी। तो देखते रहना मेरी वीडियोज़, मैं फिर हाज़िर होऊंगा आपकी खिदमत में ऐसी ऐसी नई वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए आपका दोस्त बालमदास आपसे इजाज़त चाहेगा। टाटा।